हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 6 रीज़न बताने वाला हूं जिसकी वजह से आप लोगों को अपाचे आरटीआर 162V BS6 नहीं लेनी चाहिए। हालांकि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताए थे 10 रीज़न जिसके कारण आप लोगों को ये बाइक खरीदनी चाहिए। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप लोग वहाँ से जा कर के वो वीडियो देख सकते हो। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। और ये वीडियो अगर उन लोगों को पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, रीज़न नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर मैं इंजन रिफाइनमेंट की बात करना चाहूँगा। बट टू बी ऑनेस्ट, ये इंजन बहुत ही अच्छा है, बोले तो इसमें जो इसका परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें रिफाइनमेंट की बहुत कमी है। बोले तो इसमें वाइब्रेशन बहुत होते हैं, अगर आप इसको हाई स्पीड पे चलाते हो तो इसमें वाइब्रेशन आप लोगों को काफ़ी फील होंगे। लेकिन इसके लिए मैं एक टिप देना चाहता हूँ, अगर आप लोग इसका वाइब्रेशन रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप स्पेस फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज करिए, वो भी 10W40 ग्रेड का, और वो फुली सिंथेटिक होना चाहिए। और रीज़न नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर जो इसका डिस्क प्लेट आता है, जो डिस्क का जो डिस्क होता है वो इसमें जल्दी कट जाता है। अदर गाड़ियों की अपेक्षा जो इसका डिस्क प्लेट है वो जल्दी कट जाता है, आई डोंट नो हाउ, बट ये कट जाता है। बोले तो इसमें जो रेस्टलेस लाइंस आने लगती हैं कुछ टाइम बाद, और आप लोगों को फिर ये एक टाइम बाद इसको चेंज करवाना पड़ेगा। और तीसरे रीज़न की बात करें तो यहाँ पर इसकी चैन लूज़ हो जाती है बहुत ही कम किलोमीटर चलने के बाद। इवन ये 300-400 किलोमीटर बाद ये चैन हर बार लूज़ हो जाती है, हर बार आप लोगों को इसको टाइट करवाना पड़ेगा और साथ ही साथ इसको ल्यूब भी कराना पड़ेगा प्रॉपर वे में। अगर आप नहीं कराते हो तो जो इसकी चैन स्पॉकेट की लाइफ है वो और कम हो जाती है। और चौथे रीज़न की बात करें तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी के बारे में। मैंने इसको काफ़ी हद तक 100 के ऊपर भी चलाई है, ये गाड़ी में रख भी चुका हूँ अपने पास, तो ये हाई स्पीड पे थोड़ी स्टेबल नहीं रहती है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप इस मोटरसाइकिल को लेते हो तो मेक श्योर यार, जो इसके साथ जो स्टॉक टायर लग के आते हैं रेमोरा के, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। जो इसके स्टॉक टायर आते हैं उसमें स्लिप होने का खतरा ज़्यादा रहता है, मैंने ये महसूस किया है। अगर आप लोगों को और अच्छी स्टेबिलिटी चाहिए और ग्रिप चाहिए तो आप लोग आफ्टर मार्केट टायर के साथ ज़रूर जाएँ। और मैं इसके जो टायर आते हैं इसके साथ, मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसके टायर काफ़ी बेकार हैं आप कह सकते हो। और उसकी वजह से भी ये मोटरसाइकिल अपनी स्टेबिलिटी लूज़ कर जाती है जब आप इसको लॉन्ग वे पे चलाते हो, मतलब जब आप इसको हाई स्पीड पे चलाओगे तो ऐसा लगेगा कि पीछे से जो गाड़ी ना वो लूज़ हो रही है, बोले तो इधर उधर शेक कर रही है। जिन लोगों के पास है वो लोग समझ सकते होंगे इस चीज़ को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और इस मोटरसाइकिल के पांचवें रीज़न की बात करें तो यहाँ पर इसका जो चाइनीज़ पॉकेट सेट है वो बहुत ही जल्दी वियर आउट हो जाता है। हालांकि मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा फन टू राइड है और लोग इसको धीरे चलाना पसंद नहीं करते हैं, ऑलवेज इसको तेज़ चलाना पसंद करते हैं, लेकिन वहाँ पर ये हो जाता है कि इसका जो चैन का लाइफ है, जो चाइनीज़ पॉकेट सेट का लाइफ है वो बहुत ही कम है। इवन ये आपका 14-15 हज़ार किलोमीटर पर ये निकल जाता है, बोले तो वेयर आउट हो जाता है। तो अदर गाड़ियों की अपेक्षा देखा जाए तो इसका जो चैन लाइफ है वो थोड़ा सा कम है। और छठे रीज़न की बात करी जाए तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि अब जो BS6 मॉडल आया इस पर इन्होंने किक हटा दी है, तो यहाँ पर ये थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। जो जैसे कि हीरो की एक्सट्रीम है वहाँ पर आपको किक का ऑप्शन मिलता है, और किक कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रूरल कंडीशन में काफ़ी काम आती है। अगर आपकी बैटरी जो है रेन आउट हो चुकी है तो आप वहाँ पर किक की सहायता से इस बाइक को स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन अब इसमें से किक हटा दी गई है। हालांकि ये जो छठवां रीज़न है मैं इसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दूंगा, ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए किक बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर किक नहीं भी है तो काम चल जाता है यार, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, और अगर आप अच्छे से गाड़ी मेंटेन करते हो तो आप लोगों को कभी शिकायत नहीं आती है कि आपकी गाड़ी स्टार्ट ना हो या आपकी बैटरी ड्रेन आउट हो गई हो। तो इस मोटरसाइकिल में ज़्यादा कुछ खराबियां नहीं हैं, जो थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। कुछ लोगों को ये इससे एक्सेप्ट भी करेंगे और कुछ लोग इसको नकारेंगे भी, तो कृपया दिल में मत लें क्योंकि ये मैंने जो रियल प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने आप लोगों को बताई। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, ऑलवेज वियर हेलमेट एंड सेफ राइड, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।